सुप्रभात, मैं बलजीत पंडा, कक्षा 6वीं अ का छात्र, आज आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है वसुदेव कुटुंबकम है हमारा नारा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ही ईश्वर, एक ही धरती, एक ही आसमां, और खून का रंग भी तो एक है। प्रकृति ने सांस लेने के लिए वायु और पीने के लिए जल देने में नहीं किया कोई भेद है। एक ही परिवार है यह संसार सारा, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम है हमारा नारा। वो मेरा है, वो पराया है, वो तेरा है, ऐसे विचारों की वजह से ही हो जाता है तनाव। सूरज अपनी रोशनी और चंदा अपनी चांदनी बिखेरने में नहीं करता कोई चुनाव। कमजोरों और दीनहीन का बनो सहारा, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम है हमारा नारा। काले हो या गोरे, अमीर हो या गरीब, हर किसी को इस धरा पर जीने का है अधिकार। एकता, प्रेम और भाईचारा ही इस धरती को स्वीकार। तो आओ नफरत, घमंड, हिंसा को करे नकारा, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम है हमारा नारा। सबका मालिक एक, मगर जाति धर्म के आधार पर बटा हुआ है संसार। सबका मालिक एक, मगर जाति धर्म के आधार पर बटा हुआ है संसार। नफरत, घमंड और हिंसा ने मचा दिया पूरे विश्व में हाहाकार। तो आओ प्रेम, भाईचारा और मदद की लगाए जयकारा, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम है हमारा नारा। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, G20 के नेतृत्व में भारत का है ये दर्शन। आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं को खत्म करने का बना लिया है मन। विश्व शांति और इंसानियत को भारत देगा सहारा, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम है हमारा नारा। क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम है हमारा नारा। धन्यवाद।